ghamasan.com. मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भांगरे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि 23 मई को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार गिर सकती है। वहीं खबर ये भी है कि अपनी सरकार बचाने की कवायद में लगे मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी नेताओं से इस्तीफा लेकर नए मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए कमलनाथ को पार्टी आलाकमान को विश्वास में लेना पड़ेगा। ये भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर कमलनाथ सरकार के मंत्रियों का मूल्यांकन होगा। सरकार मंत्रियों को हटाने व बदलने की बजाय सामूहिक इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन कर सकती है। रविवार को जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस नेताओं में हड़कंप और घबराहट दिखाई देने लगी है और सुबह ही इंदौर में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि कमलनाथ सरकार अगले 22 दिन चलना मुश्किल है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बयान दे रहे हैं कि कमलनाथ सरकार अपने ही वजन से गिर जाएगी। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी सरकार को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में किस तरह के प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।